तो दोस्तों अब आंचल का नंबर लिख लो और जी ऐसे वीडियो देख रहा तो रिकॉर्ड नहीं कभी। मैं सोचता था ये भोली बहुत घमंडी है लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ ये तो बिल्कुल अपोजिट है उसके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी दिन के करीब 11:30 हो गए हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज ना काफ़ी सुहावना मौसम है, प्यारी सी धूप खिली हुई है और सामने देखिए चौखंबा पर्वत बादलों के बीच में क्या गजब का दिखाई दे रहा है। और आज ना हमारे घर पर काफ़ी सारे मेहमान आ रखे हैं तो एक एक करके आपको मेहमान से मिलाते हैं। तो मेहमान सारे बैठ रखे हैं भाई के कमरे में। हेलो, कैसे हो सब? यहाँ पे पहाड़ी भाई पी लो चाय, कूल पहाड़ी पहाड़ी भाई कर। और ये कौन है? ये कौन है यार? ये घर है मेहमान है। तो यहाँ पे पहाड़ी भैया कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं कैमरे में हमेशा वीडियो में देखता था ना, मैं सोचता था ये भोली बहुत घमंडी है लेकिन मैं यहाँ आ रहा हूँ ये तो बिल्कुल अपोजिट है उसके। यही बोल रहा तो पहाड़ी भाई ने ना अपनी कॉमेडी यहाँ पे भी नहीं छोड़ी। और यहाँ पे हमारे दीपक भैया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे ना दीपक भाई का कुछ लैपटॉप पे काम है तो भाई उसको कर रहा है और मैं यहाँ पे पहाड़ी भाई पीलो चाय भैया से पूछती हूँ कि हमारा गांव कैसा लगा। तो भैया कैसा लगा हमारे यहाँ आके? यहाँ के बारे में? हाँ, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत प्यारा लगा। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं अपना गांव भूल गया हूँ। अच्छा, घर वालों के फोन आ रहे कहाँ है, मैं बोल रहा हूँ अपने गांव में हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और गांव से मतलब नहीं, मतलब है कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लग रहा अपनी फैमिली है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे भैया ना काफी सारी कॉमेडी कर रहे हैं और कल से ना हमको हंसा हंसा के मार दिया भाई। इन्होंने पैसे दे रखे, मैं क्या करूँ, पैसे दे रखे। और कल ना यहाँ काफी तेज बारिश लगी तो आज देखिए सामने के नज़ारे गजब के हो रखे हैं। चौखंबा पर्वत बादलों के बीच में सुंदर सा दिखाई दे रहा है और काफी क्लियर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पहाड़ी भैया चौखंबा की फोटो ले रहे, कैसा लग रहा है हमारा चौखंबा पर्वत? बहुत बढ़िया, सही है। हमारा है वो, तुम्हारा है वो, और किसी का नहीं हो सकता स्पेशल। चलो ये सब तो मजाक की बातें हैं, चौखंबा पर्वत तो हर जगह से दिखाई देता है। अभी दिन के करीब 12:30 हो चुके हैं और यहाँ पे एक घंटे में भाई का काम भी नहीं पड़ चुका है। तो अब अब होगा। अच्छा, आधा हुआ अभी। अच्छा, तो अभी हमारी तैयारी भी हो गई है परवाड़ी जाने की। तो आज यहाँ पे मेरे पीछे जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं सब ब्लॉगर हैं। यहाँ पे अभी अभी तिवारी, मैं सबसे छोटा हूँ। कूल पहाड़ी, पहाड़ी भाई कर, प्रियंका योगी तिवारी, पहाड़ी भाई पी लो चाय। और सबसे यूनिक नाम है हमारे रविंद्र भगुना भाई जी का। सही बात, सही बात। तो यहाँ पे देखिए दिन के टाइम पे मनसूना मार्केट कितना सुनसान लगता है और यहाँ पे हमारे भैया जी कुछ बोल रहे हैं। जब मन सुना सुना होता है तो यहाँ आते लोग। अच्छा, इसलिए इसका नाम मन सुना है? ऐसी बात नहीं है, अपना लॉजिक है साहब। यहाँ पे मनना माई का मंदिर है ना? अच्छा, मैं भूल गया। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा गांव है। तब उस नाम से यहाँ का नाम मन सुना पड़ा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे भैया फुल इंतजाम करके ले जा रहे हैं परवाड़ी के लिए, क्योंकि वहाँ तो है नहीं दुकान वगैरह। क्या क्या लाए? अच्छा, फैंटा। तो चले जी, पहुंच चुके हैं घर के रास्ते में और मेरी ना पीठ पर दो दो बैग लगा रखे हैं। इनको सबको पता नहीं आज क्या हो गया, ये कोई नहीं ले जा रहा बैग। और आज ना धूप की ऐसी चमक लग रही है कि क्या ही बोले, पहाड़ों में ऐसा ही हो रहा है, एक दिन मौसम खराब एक दिन बारिश, पता नहीं क्या हो रहा है। पहाड़ों के मौसम भी अपना रंग बदल रहे हैं बार बार। तो जैसे ही हम इस वाले घर पे आए, यहाँ पे देखिए माँ का फिर से ये प्याज और ये लहसुन रखा है सुखाने के लिए। और पिछली वाली वीडियो में मेरे को कमेंट आया था कि प्याज को कौन रखता है सुखाने के लिए, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्याज ना कच्चा प्याज होता है तो इसको काफी टाइम तक सुखाने के लिए रखना पड़ता है, पहाड़ों में ऐसा ही होता है। अब आपके यहाँ पता नहीं कैसा होता होगा। अभी शाम के करीब 5:30 हो गए हैं और हम सभी आ रखे हैं छत में मस्त नजारों का आनंद लेने के लिए। और यहाँ पे पायल और अभी बैडमिंटन खेल रहे हैं। आंचल यहाँ पे बैठी हुई है, काजल भी आजकल घर आ गई देहरादून से। तो कैसा रहा देहरादून से घर तक का सफर? गर्म देहरादून? ठीक था। हाँ हाँ, देहरादून में तो वैसे बहुत गर्मी हो रही है। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आंचल को भी आजकल वीडियो में क्यों नहीं ला रहे, बल एक दो दिन से बस।
क्योंकि मैं घर नहीं थी। कहाँ जा रही थी तू? गिरिया में। अच्छा, और यहाँ पे बहुत दिन बाद भाई भी इस वाले घर पे दिखाई दे रहा है, और हमारे पहाड़ी भाई पी लो चाय भी, लेकिन पहाड़ी भाई को अभी हमने चाय नहीं पिलाई, उसी के लिए थोड़ा मुरझा रखा हूं मैं। अच्छा, और यहाँ पे एक पहाड़ी और भी आ गए घर हमारे अंकल जी, ये है आंचल के पापा जी। हेलो, कैसे हो आप? अच्छा, और अभी यहाँ पे इन दोनों को खेल खेल के थकान लग गई। कौन खेल रहा दोनों में से? अच्छा, दोनों बराबर। अच्छा, ये तो खाली आ रखे यहाँ खेलने के लिए, बिल्कुल नहीं आ रहा इनको खेलना। मैं तो जरा आंचल के साथ बैठ जाती हूँ भाई, क्योंकि लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है कि आंचल के साथ हमेशा वीडियो बनाया करो, बस सुबह से शाम तक आंचल को ही दिखाया करो बस। और आज से मैंने भी कसम खा ली, जब तक यहाँ तब तक आंचल की वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे ना एक डायलॉग फेमस हो गया कि वो जेल में है, अभी छूटा नहीं, 1.5 लाख सैलरी है उसकी। हाँ। और यहाँ पे देखिए अंकल को कुबटा आ रहे, और अंकल ना हमारी वीडियो में पहली बार आ रहे हैं, तो कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे आंचल कुछ बोल रही है। हाँ, कि एक कमेंट आया था कि मुझे बोले आंचल का नंबर सेंड करो। हाँ। वो भी यूट्यूब पर, बस उसी का तो नहीं आया था, जेल वाले का नहीं, दूसरा था वो। अच्छा, तो ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आंचल का नंबर सेंड कर दूंगी। पर एक चीज है, आंचल हर कमेंट पढ़ती है। सही बोला। मिनाद भी थी ना, मेरी रिप्लाई भी चली। हाँ, दो वीडियो में तो आंचल ने पूरे कमेंट पढ़े होंगे मेरे। हाँ, नी जिसमें मैं थी। हाँ, हाँ। पूरी वीडियो में, जिस और वीडियो जिसमें तूने मुझे रुलाया उसमें। और वीडियो तो देखती नहीं है। नहीं, सिर्फ जिसमें आंचल का थंबनेल लगाया होगा आंचल, वही वीडियो देखेगी। नहीं नहीं, वैसे भी नहीं है, पूरी देखती हूँ, पर जिसमें मैं रहती हूँ उसको मैं ज्यादा देखती हूँ। अच्छा, और उसके सारे कमेंट भी पढ़ती है। हाँ, रिप्लाई देती हूँ कभी कभी, मन करता है तो। दोस्तों, अब आंचल का नंबर लिख लो, लोग डायरी भी लेके आ गए होंगे आंचल अब तक। 9 4 3 4 2 4 10। तो दोस्तों, जो समझा वो लिख लो फटाफट। तो दोस्तों, आखिरकार आंचल ने अपना नंबर दे दिया है, जिसको समझ में आ गया होगा उसने अब तक तो लिख भी लिया होगा, क्यों आंचल? हाँ, जरूर। हाँ, अब कहीं यहाँ पे जेल वाला आंचल को कॉल न कर दे। हाँ, करेगा वो तो। अच्छा है। अच्छा, अभी बताऊँ अंकल को, पापा यहीं पे हैं। अभी शाम के करीब 7 बजने वाले हैं, और अब जाके हमारी तैयारी हो गई है गिरिया जाने की, लेकिन अभी हम गिरिया नहीं जाएंगे एक बार, अभी हम जाएंगे उखी मठ की साइड में, और भाई और ये सब जाएंगे गिरिया की ओर। तो हम रास्ते में मिलेंगे, ठीक है आपको? बाय बाय। तो चलिए जी, उखी मठ से सारा काम निपटाने के बाद पहुंच चुके हैं घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।